हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स ज़ूम। आज की वीडियो है वेरी स्पेशल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। इन राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट ट्राइंगल से रिलेटेड है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स राइट ट्राइंगल हमें गिवन है। राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो एंगल बी 90 डिग्री। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अदर टू साइड मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल, क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आपको टू प्रूफ में लिखना है। क्या प्रूफ करेंगे हम, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम थ्योरम में लिखते हैं गिवन। हमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है थ्योरम में, क्या दिया है हमें थ्योरम में, राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहली हेडिंग आप लिखते हैं गिवन। जब भी थ्योरम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हमें जो भी यहाँ है कंडीशन वो लिखनी है गिवन में। क्या है, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहली हेडिंग है राइट ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी। कौन से एंगल पर राइट एंगल हमने लिया है, राइट एंगल एट बी, ये गिवन में। गिवन के बाद आपका टू प्रूफ वो आपको पता लग गया। फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की है बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी डी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पर। तो कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। प्रूफ करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है, बी डी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी। तो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये लिखने के बाद अब हमारा शुरू होगा प्रूफ। प्रूफ के लिए हम यहाँ टू पेयर्स यूज कर रहे हैं। कौन से पेयर हैं, नाउ सी। तो सबसे पहले आपने क्या यूज किया, गिवन हेडिंग। गिवन के बाद आपने यूज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने लिया है प्रूफ। प्रूफ में हम टू पेयर्स ले रहे हैं। फर्स्ट पेयर ए डी बी, ये स्मॉल ट्राइंगल, और ए बी सी बिग ट्राइंगल। और नेक्स्ट पेयर हम यूज करेंगे ये बी बी सी, और इसके साथ ए बी सी। नाउ सी हाउ विल यू प्रूफ, ए डी बी और ए बी सी सिमिलर कैसे हैं। सिमिलर करने के लिए देखिए, ए डी बी ये 90 डिग्री है। एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है क्योंकि हमें गिवन है एंगल ए बी सी 90 डिग्री। नाउ सेकेंड कंडीशन, एंगल ए कॉमन है दोनों में, एंगल ए इक्वल एंगल ए। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलर करने के बाद हमारे ट्राइंगल की साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कौन सी साइड्स होंगी, ए डी ये बेस और ए बी इसका बेस, ए डी ओवर ए बी। ये हम डायरेक्ट जो हमने पेयर लिया है वहां से भी लिख सकते हैं। देखो ए डी और ए बी इक्वल। नेक्स्ट हम यूज करेंगे
ए बी हाइपोटेनस इस स्मॉल ट्रायंगल का और बिग ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए सी हाइपोटेनस हाइपोटेनस. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी ए बी ए बी स्क्वायर एंड ए डी मल्टीप्लाई ए सी. Now this is your equation number 1. Similarly, अब हम यहाँ second pair पर आते हैं. BDC के साथ ABC को similar करेंगे. BDC ये 90 है. Angle BDC और angle ABC ये आपका 90 है. First condition 90 degree. And angle C आपका दोनों में common है. So by angle-angle criteria, triangle BDC similar to triangle ABC. Okay? अब similar है तो side proportional होंगे. तो side proportional DC over BC equal. Next part BC. Hypotenuse over hypotenuse. Hypotenuse of big that is AC. Now cross multiply BC BC. BC square equal DC multiply AC. This is your equation number second. Equation first. इक्वेशन सेकेंड. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एडिशन. नाउ सी सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी फर्स्ट इक्वेशन थी और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई ए सी सेकेंड इक्वेशन. नाउ एड दीज इक्वेशन. इन्हें एड कर रहे हैं. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर equal AD multiply AC plus DC multiply AC. AC AC common तो bracket में आपका आएगा AD plus DC. AD और DC को add किया that is AC. सो ए सी मल्टीप्लाई ए सी ए सी स्क्वायर होगा. तो आप देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेम आ गया. ए सी मल्टीप्लाई ए सी दैट इज ए सी स्क्वायर. ये आपको पाइथागोरस में प्रूफ करना था कि टू साइड का सम का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा.